पूर्वी चंपारण में भगवान शिव का मंदिर है और यह आपरूपी प्रकट शिवलिंग के कारण इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये पूर्वी चंपारण में स्थित है और इजिली कनेक्टेड है पटना से या आसपास के टाउन से, आप आराम से जा सकते हैं। और केसरिया बौद्ध स्तूप के कारण ये जगह और फेमस हो गया। केसरिया बौद्ध स्तूप से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे या आगे अकॉर्डिंग टू आप जहाँ जैसे जाएंगे आपको ये दिखेगा। दे रही है और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुआ है ऐसा कहा जाता है। बहुत ही फेमस जगह है, इसी के पास में केसरिया स्तूप भी आपको देखने को मिलेगा। बगल में बहुत सारे स्टॉल है इस तरह, ऐसा ही है ना कहानी? हाँ एकदम सेम बोल रहा है, एकदम सही बात है, एकदम सही है ना, एकदम सही है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बाहर के लोग, यहाँ भी जाते हैं, बुद्ध स्तूप पर जाते हैं, बुद्ध स्तूप पे भी पहले वहाँ जाते हैं, उसके बाद आप लोग क्या क्या कॉपरेट करते हैं टूरिस्ट आता है बाहर का? तो बाहर के कम आता है, बाहर के कम आते हैं ना, थोड़ा सा प्रचार प्रसार कम है उस हिसाब से। अभी हम लोग है केसरिया मंदिर में और इस तरह से पूरे बिहार को हम लोग कवर करने वाले हैं। बिहार का जो जो फेमस प्लेस है सबको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन जो भी स्पॉट है इस तरह के जो बिहार के लोग भी नहीं जानते हैं वो भी जाने। तो अभी केसरिया को हम लोग कर रहे हैं, शिवलिंग के बारे में बता दिया कि ये अपने आप प्रकट हुआ है। इस तरह से स्टॉल मिल जाएगा आपको, जगह जगह पर सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे प्रसाद ना प्रसाद मिल जाता है और ये लोग भी वेरीफाई कर रहे हैं कि यही चीज़ है। तो हम लोग पहले मंदिर को देखते हैं फिर आते हैं। चलिए अब हम लोग मंदिर चल के देखते हैं, आइए आपको मंदिर घुमाते हैं। ये अच्छा, ये मंदिर पहले मैं हम लोग बहुत पहले छोटे थे ना तो यहाँ आया करते थे, बहुत दिन हो गए यहाँ पे, उस समय तो ये छत वो था नहीं यहाँ पे। अच्छा पहले यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं था, हम लोग बहुत पहले छोटे में आए थे, ऐसा कुछ नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ एक छोटा मंदिर था और बिल्डिंग्स नहीं बने हुए थे। उस समय ये कहा जाता था कि इसके ऊपर कुछ भी बनाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, बट फाइनली बन गया और यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं। एड्रेस और लोकेशन ये पूरा मैं आपको बताता हूँ, मिला और मंदिर के बाहर ही सारा प्रसाद से लेके सब कुछ मिल जाता है, तो जो भी शिव भक्त है वो यहाँ पे आ सकते हैं। क्या चलाइए रे, तुमको नहीं रहता, जाओ उधर। छोटे थे ना तो ये खूब खाया करते थे, उसी पीताम्बर चौक पे मिलता था, ये एकदम फेमस है यहाँ का केसरिया का है ना, खूब बनता है। तो भाई आप लोग भी घूमने और यहाँ पे एंजॉय कीजिए, और क्यों, इतना बढ़िया जगह है। कितना हो गया?
70 के जून में। अब वो अभी वही मूर्ति है ना, वही मूर्ति है सर। इनके सामने निकले हैं, यही कहते हैं आप लोग भी निकले हुए हैं। तो नहर खुदाई में निकले, नहर खुदाई के दौरान निकले, नहर की जब खुदाई हो रही थी तो उसी दौरान ये निकले। 70 की बात है, अभी बहुत समय हो गया, 51 साल हो गया ना। 70 के मई में निकले थे, जून में, महीना भी आपको याद है, सप्तमी के रोज। बताइए, ये कहते हैं मेमोरी पावर। आजकल हम लोग के हाथ में मोबाइल आ गया है तो सारा कुछ क्या है। तो बहुत बड़ी बात है ना, छोटी बात तो है नहीं। स्कूल में हम लोग से आपके रीजन में वहाँ पर आए थे। हाँ होगा, कितना दिन रहेगा? नहीं, हम तो छोटे थे बहुत। केसरिया में कितना? केसरिया में अच्छा खासा रहेगा। ज्यादा रहेगा ना आपको जहाँ आप ही ज्यादा चौके। उस समय ज्यादा बहुत बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, स्कूल स्कूल जाते थे, थोड़ा बहुत एक दो क्लास में पढ़ते थे। उन्हीं के देन है कि मंदिर आ मंदिर है, जाकर देखिए ना, जरूर जाइएगा। अभी जाएंगे इसलिए कि आप लोग का निशानी मंदिर है, अभी जाकर आप ही के परिवार का निशानी मंदिर है। ऐसा बोला कि पूरा मन मैंने खूबसूरत हम लोग जाते हैं, 5 मिनट खड़ा हो जाते हैं। वो पता है वो और भी बनता, तब तक क्या हुआ, पापा का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर नहीं होता तो टाइल्स वाइल्स और लगाने का था उसमें, लेकिन अब जो भी लगा वही।